Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूँ प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो एक दिन बाद यानी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है और यूपी में जो पहले चरण का मतदान है वो शुरू होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो हम आज जानेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को और कौन कौन से प्रत्याशी किस पार्टी से मैदान में है। तो सर बताइए कि कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में और कितनी सीटों पर मतदान होना है। देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि आई इंडिया आज आपको बताएगा जो पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, जिसमें मतदाता जो जनप्रतिनिधि जिन्हें चुना जाना है उनके भाग्य का जो फैसला ईवीएम में कैद करेगा वो कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं। तो आज बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वहाँ प्रमुख रूप से जो दल हैं वो उनके कौन कौन से प्रत्याशी हैं, क्योंकि सारे प्रत्याशी बताना भी मुनासिब नहीं है मेरे लिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रमुख दल हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और ख़ास बात यह है कि 9 लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में जो प्रथम चरण का मतदान जो 19 अप्रैल को होगा उसमें कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं तो जरा जल्दी से आपको बताते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहां पर जो है 19 अप्रैल को मतदाता जो वहां से बनने वाला सांसद है उसके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करने जा रहा है। अब जान लीजिए एक एक लोकसभा सीट का हाल, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं किस दल से कौन प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में। अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राघव लखनपाल यहां पर चुनावी मैदान में हैं। और कांग्रेस सपा गठबंधन की बात करते हैं तो इमरान मसूद यहां पर हैं और बसपा से माजिद अली प्रत्याशी बनाए गए हैं। कैराना की बात करें, कैराना बहुत चर्चित सीट है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदीप कुमार प्रत्याशी हैं और सपा कांग्रेस गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी इकरा हसन है। बसपा की बात करें तो श्रीपाल सिंह को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरनगर संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर दांव लगाया हुआ है। हरेंद्र मलिक सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। दारा सिंह प्रजापत ये बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर में भाजपा के प्रत्याशी चंदन चौहान जो रालोद के खाते में सीट गई है वो प्रत्याशी हैं। और सपा कांग्रेस की अगर बात करें तो यशवीर सिंह जिन्हें बदलकर अब दीपक सैनी के नाम पर वोट यहाँ पड़ेगा, दीपक सैनी प्रत्याशी हैं फिलहाल। और बसपा से ब्रजेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। नगीना की बात करें, ओम कुमार यहां पर नगीना से प्रत्याशी हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सपा कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मनोज कुमार हैं और बसपा से सुरेंद्र पाल सिंह। इसके अलावा नगीना वो सीट है जहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो रावण उन्हें चंद्रशेखर उर्फ रावण यहां से प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद में सर्वेश सिंह जो सांसद हैं मौजूदा भाजपा के प्रत्याशी हैं और रुचि बीरा सपा कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई हैं। यहाँ मौजूदा जो सांसद थे HT हसन उनका टिकट काट दिया है सपा ने, रुचि बीरा उनके मुकाबले हैं। और बसपा ने इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाया हुआ है। रामपुर में फिर एक बार बहुजन भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी को यहाँ पर मैदान में उतारा हुआ है। घनश्याम लोधी मौजूदा सांसद हैं और मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया है सपा कांग्रेस गठबंधन का। जीसान खां बनाए गए हैं प्रत्याशी बसपा के।
अब बात कर लेते हैं पीलीभीत। पीलीभीत बहुत चर्चा में है। पीलीभीत की चर्चा इसलिए हो रही है, वरुण गांधी जो अपनी ही सरकार को सार्वजनिक रूप से कोसते थे और सोशल मीडिया के जरिए कोसते थे, तो वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद जो योगी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने, और उनके मुकाबले सपा कांग्रेस से पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं बसपा की। बसपा ने भी यहाँ दमदार प्रत्याशी के तौर पर अनीस अहमद खां और फूल बाबू को टिकट दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर 19 अप्रैल को मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर देगा। इसके अलावा भी कुछ अन्य दलों के और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि जब तक नतीजा नहीं आ जाता है तब तक किसी को ये नहीं कहा जा सकता कौन जीत रहा कौन हार रहा, किसके पक्ष में लहर चल रही है। इतना जरूर है कि 4 जून को ये तय हो जाएगा कि मतदाता किसके सिर पर ताज रखते हैं, हमारी नजर रहेगी। और हाँ, एक बार और दर्शकों को बता दें कि आई इंडिया आपको लगातार 4 जून को मतदाता जो मतगणना होगी पल पल की खबर आप घर बैठे अपने मोबाइल पर आई इंडिया के जरिए देख सकेंगे, आई इंडिया आपको देता रहेगा। जी बिल्कुल। तो एक दिन बाद यानी कि 19 अप्रैल को फाइनल मैच होना है। प्रैक्टिस तो हो गई, प्रैक्टिस मीन्स जनता के दरवाजे पर तो प्रत्याशी गए, प्रैक्टिस हो गई, पूरी दमखम लगाया। इस दौरान हमने देखा जुबानी जंग भी देखने को मिली, खासतौर से हमें पीलीभीत जैसी हॉट लोकसभा सीट जो बन चुकी है वहां पे जुबानी जंग भी देखने को मिली। अखिलेश यादव भी गए, उन्होंने तीखे वार किए जितिन प्रसाद पर, और जितिन प्रसाद ने भी जो बयान दिए कहा है कि पीलीभीत को वो पेरिस बना देंगे, तो इस पर हमें जनता के भी कमेंट देखने को मिले और अखिलेश यादव ने भी उस पर खासा तंज कसा। और आपको एक अहम बात बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हमेशा से ही निर्णायक की भूमिका में रहा है, क्योंकि करीब आधी सीटें यूपी की 80 में से करीब 40 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आती हैं अगर देखें हम। और सबसे अहम बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार आपको बता दें, जहां सपा और कांग्रेस का गठबंधन है वहीं भाजपा और रालोद का भी गठबंधन है। चौधरी चरण सिंह जो है उनके के बेटे जैन चौधरी जो पहले सपा के साथ गठबंधन में थे, उनके पोते, हाँ उनके पोते सपा के साथ गठबंधन में थे और विधानसभा चुनाव में वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे, भाजपा ने बुरी तरह से हराया था उनके भी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को। लेकिन लोकसभा चुनाव में अब देखते हैं वो जब भाजपा के साथ आए हैं तो उन्हें भाजपा को कितना लाभ मिलता है ये देखने योग्य होगा। फिलहाल वहां पे हम एक अहम सबसे अहम जानकारी दे दें, वहां जो निर्णायक की भूमिका में वोटर रहते हैं वो जाट गुर्जर और जो मुस्लिम है वो जो वोटर हैं, इसी के साथ जो छत्री वोटर भी हैं जिनकी नाराजगी भी इस समय भाजपा से होनी बताई जा रही है, खबरें भी आ रही हैं, वो निर्णायक की भूमिका में माने जाते हैं। अब देखना होगा कि कितना असर ये सब वोटर मिलकर डाल पाते हैं और किसे जो है लोकसभा भेजते हैं, संसद में बैठने का मौका देते हैं। फिलहाल एक एक करके हमने आपको बताया कि प्रत्याशियों की भी बेचैनी बढ़ रही होगी, क्योंकि आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा, एक दिन बाद मतदान होना है 19 अप्रैल को और 9 सीटों के लिए मतदान होना है। उसके बाद गुड़ा गणित का भी दौर शुरू हो जाएगा कि कहां से किसको वोट मिले। फिलहाल आई इंडिया आपको एक एक लोकसभा सीट के बारे में बताएगा, सातों चरणों के जो चुनाव होंगे उसमें कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है, कितने सीटों के लिए कब मतदान होना है इसकी भी जानकारी देगा। और अभी एक अहम जानकारी आपको दी कि भारतीय जनता पार्टी की भी अगली कड़ी में सूची हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं यूपी में और कितने प्रत्याशियों को उन्होंने बदला है, क्योंकि इस समय प्रत्याशी बदलने का भी दौर चल रहा है। तो फिलहाल आई इंडिया के साथ सभी दर्शक बने रहें और अगर आपने आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हमें दीजिए इजाजत, हम आपको अगली लेटेस्ट खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।